नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभु शरण। बताओ चली कि गोरखपुर के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी लोकसभा से काजल निषाद के हार्ट अटैक से तबियत बिगड़ल। कल यानी 7 अप्रैल के काजल निषाद के अचानक दर्द के कारण उन्हें एडमिट कर गए और लगातार डॉक्टर ट्रीटमेंट में लग गए। तो गोरखपुर वही स्टार हॉस्पिटल में आनंद फानंद में काजल निषाद के भर्ती कराओल गई, जहां वो अचेत अवस्था में रही और उन्हें डॉक्टर बतौलन की हार्ट अटैक के लक्षण बा। आनंद फानंद में उनके लखनऊ रेफर कर गई, जहां मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में वो इलाज उनकर चला था। तो ये बड़ खबर और ब्रेकिंग न्यूज बा गोरखपुर से, समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद के हार्ट अटैक। पिछले दिन अब इन काजल निषाद के पैर फ्रैक्चर भैया के कारण उनके तमाम जनसभा में दिक्कत होते रहे, तो वही काजल निषाद के हार्ट अटैक एक तरह से समाजवादी पार्टी के झटका दे रहल बा। वही तमाम नेता लोग के मिले और जाए का सिलसिला लगातार बनल बा। काजल निषाद के देखे अवधेश यादव पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पहुंचल रहा, तो तमाम छोट बड़ नेता उनके संपर्क में बनल बारन। हाल फिलहाल काजल निषाद के मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में इलाज चल रहा बा। स्थिति सामान्य बताओ गई। देखत रहे भोजपुरी न्यूज टाइम।